अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मौन व्रत रखकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में संघ के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित 5 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है, जिसमें कोरोना से पीड़ित मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के परिवार को राहत राशि 50 लाख रुपए दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को अन्य कोरोना प्रभावित कर्मचारियों की तरह राहत सहायता प्रदान की जाए। इस मौके पर शिक्षक संघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने कहा, रणजीत सिंह, मंडली मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ गोरखपुर। 6 सूत्री मांगों को लेकर के, जिस पर सरकार ने उसको पूरा करने के लिए वचन दिया था, उन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग मौन व्रत हैं, क्योंकि बार बार वार्ता होने के बावजूद सरकार अपने वचन पर जो है कायम नहीं रही। तो हम शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा में मौन रह कर करके ही अपनी बातों को रखेंगे, और लेकिन हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।